एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद बरेली के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में स्थित राजपुर मसरा गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान लाखन राम हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 1100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसीटाइज्ड रोड, खडंजे, 6 आवास का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 39 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 7 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 32 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट व 65 विद्युत लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं तथा 65 विद्युत पोल एवं 2 ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में शमशान घाट, बारात घर, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान लाखन का भाई लालमन ग्राम पंचायत राजीपुर मजरा सुल्तानपुर विकासखंड आलमपुर जाफराबाद से हमने अपने गांव में खरंजा मिट्टी कार्य व नाले का कार्य कराया है और 70 शौचालय और 65 स्ट्रीट लाइट, 10 सूर्य लाइट और 6 आवास का निर्माण करा दिया है। मैं सरकार से पंचायत घर, आंगनबाड़ी, बारात घर, अस्पताल, शमशान घाट, 6 सीसी रास्ते व इंटर कॉलेज की मांग करता हूं ताकि ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास हो सके। हम जो और कार्य कराना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत में पैसा कम आ रहा है, इससे हम बारात घर बनवाना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा है। मेरा नाम ममता है, मैं सुल्तानपुर में रहती हूं और हमारे यहां जो प्रधान हैं लाखन मौर्य वो काफ़ी अच्छा विकास करा रहे हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ, अब तो मतलब लैट्रिंग उटरिंग सब काम बन रहा है। पहले तो सब लोग खेत में जाते थे शौच करने के लिए, अब बहुत अच्छा हो रहा है। और थोड़ा बहुत जो कमी है वो भी उसमें भी लगे हैं, जैसे कि रोड है या भी खरंजा है, उसके बाद में अच्छा रोड बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और एक मतलब होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र, जिससे सब लोगों को मतलब उसमें जाके सुविधा मिल सके या अपना इलाज करा सकें। और क्या है, आंगनबाड़ी होना चाहिए यहाँ, जिससे हम लोग जाके आंगनबाड़ी में पुष्ट आहार मिलता है और गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए लाभदायक कार्य होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी देखरेख अच्छे से हो सके। और काफ़ी मतलब बहुत कुछ अच्छा हो गया, जैसे स्ट्रीट लाइट है वो भी हमारे यहाँ लग गई जो कभी भी नहीं लगी थी आज तक, और आज 2018 में बहुत कुछ हो रहा है।